सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो वैकेंसी निकली है डाक विभाग में ड्राइवरों की, सीधी वैकेंसी निकली है जिसमें आपको ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी वीडियो को बनाने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस वैकेंसी में कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो साथियों, ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट जो बताई गई योग्यताएं रखता हो वो कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी जो ड्राइवर की वैकेंसी निकली है इसमें किसी प्रकार का कोई लिखित एग्जाम और किसी प्रकार का कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। केवल ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर ये वैकेंसी निकली है। अच्छी इसमें सैलरी मिलने वाली है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल यूपी सर्किल लखनऊ की तरफ से इस भर्ती का ऑफिशियल लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है। आप बात करते हैं दोस्तों अप्लाई की, तो इंडियन सिटीजन यानी कि ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें सैलरी की बात करें, सिलेक्शन होने के पश्चात आपको सैलरी मिलने वाली है 5200 रुपये से 20200 रुपये और 1900 रुपये ग्रेड पे, आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी मिलने वाली है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल वैकेंसी मिलने वाले आपको 19। कैटेगरी के अनुसार इसमें पोस्टों को डिवाइड किया गया है। साथियों, पदों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन आप ये ना सोचें कि पदों की संख्या कम होने के कारण अपना फॉर्म अप्लाई नहीं करें, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसियाँ थोड़ी सार्वजनिक नहीं होने के कारण इस प्रकार की वैकेंसियों में भीड़ कम होती है। इसलिए जो मेरा साथी इसके लिए योग्यता रखता है वो अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें। अब अप्लाई किस प्रकार करना है दोस्तों, आपको अपना फॉर्म ऑफलाइन स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रेशन पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दूंगा, लिंक पर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिस पढ़ सकते हैं और इस भर्ती की ऑफिशियल साइट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट की आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो 18 से 27 वर्ष का कैंडिडेट कोई भी हो, ऊपरी आयु सीमा में SC और ST वर्ग का जो कैंडिडेट है उसको 5 वर्ष की, और OBC वर्ग के जो कैंडिडेट है उनको ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको ऊपरी आयु सीमा यानी 18 से 40 वर्ष तक का कैंडिडेट अपना फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यानी कि अभ्यर्थी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। आप देख सकते हैं मिनिमम 10वीं कक्षा पास, और उसके पास एक वैलिड लाइट और हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और जो लाइसेंस है दोस्तों उसमें कैंडिडेट को मिनिमम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। सिलेक्शन की बात करें तो मैंने बताया दोस्तों इसमें सिलेक्शन ड्राइविंग टेस्ट के आधार पे होने वाला है, और उसकी जब आपको कौन सी जगह ड्राइविंग टेस्ट होगा इसकी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे, और आपको एडमिट कार्ड आपके आप घर के ऊपर आपके जो आपने एड्रेस डालोगे उस पते पर आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा दोस्तों, वो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर भी चेक करते रहें। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको अपना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि यानी कि किस तारीख तक भेजना है और किस पते पर भेजना है और किस प्रकार भेजना है। तो दोस्तों, ऑफिशियल साइट पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट कौन सी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगा। और आपको आप देख सकते हैं 24 दिसंबर 2018 से पहले स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रेशन पोस्ट आप देख सकते हैं इससे भेजना है। और जो अपना आवेदन पत्र भेजने का जो पता है दोस्तों, आप देख सकते हैं दी असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट चीफ पोस्टमास्टर जनरल यूपी लखनऊ, ये जो पता है दोस्तों आपके सामने जो हाईलाइट ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं ये इसका एड्रेस है, ये इसका पिन कोड है 226001। इस पते पर आपको अपना आवेदन पत्र भेजना है। और इसके साथ ही दोस्तों आगे बात करते हैं बेसिक सामान्य जानकारी। इस प्रकार का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप सब जानते हैं इसमें बेसिक सामान्य जानकारी, नाम, फादर्स नेम, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसमें अपनी भरनी है। पूर्ण सावधानी के साथ भरनी है, किसी प्रकार की कोई कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कटिंग करेंगे तो हो सकता है आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए, इसलिए आवेदन पूर्ण सावधानी के साथ भरें और अंतिम तिथि का भी विशेष ध्यान रखें।
साथियों इस वैकेंसी से संबंधित आप विस्तृत जानकारी इसकी ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं और आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताया गया वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस भर्ती की जानकारी आपके और आपके उन दोस्तों तक भी मिल सके जो इसके लिए योग्यता रखता हो वो अपना फॉर्म भर सके। दोस्तों इसी प्रकार जो भी वैकेंसी आने के लिए उनकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश की जाए, इसलिए आप मेरे इस चैनल के लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जो भी भर्तियां निकले उनकी सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।